सो हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहली खबर है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi Redmi K30 का रिटेल बॉक्स की पिक्चर बाहर आ चुकी है, उसके साथ साथ Redmi K30 की लाइव हैंडसॉन फोटो भी बाहर आ चुकी है। इससे पता चलता है कि Redmi K30 का बॉक्स व्हाइट कलर का होने वाला है, जिसमें Redmi K30 लिखा हुआ होगा और उसमें Xiaomi का लोगो भी दिख रहा है। Redmi K30 का बैक पैनल हमने पहले भी देखा है, बट ये लाइव हैंडसॉन फोटो है जिसमें हमें राउंड शेप में कैमरे की डिजाइन दिखती है, वहां पर वर्टिकल स्ट्रिप में कैमरास अलाइंड है। और उसके साथ साथ एक और खुशखबरी भी आ रही है, और ये खुशखबरी है 3.5mm ऑडियो जैक के ऊपर। तो ये कंफर्म हो चुका है कि Redmi K30 में होने वाला है 3.5mm ऑडियो जैक। हमें Xiaomi से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें 3.5mm ऑडियो जैक देगा ही, और इसमें 3.5mm ऑडियो जैक है, बहुत अच्छी बात है। तो Samsung Galaxy A51 की ऑफिशियल पिक्चर लीक हो चुकी है, और इससे पता चलता है कि हमें इसमें मिलने वाला है क्वाड कैमरा रियर साइड में, और इसमें हमें पंच होल सेल्फी कैमरा भी देखने वाला है। और Samsung ये फोन लॉन्च करने वाला है 12th of December को। तो क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Realme 5i को Wi-Fi Alliance का सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और यह जल्द ही लॉन्च होने वाला है, बट मेरे ख्याल से ये लॉन्च होने वाला है 17th December को, क्योंकि Realme 17th December को दो चीजें लॉन्च करने वाला है, जो कि है Realme XT 730G और उनके नए AirPods। यानी कि ये इस इवेंट में लॉन्च हो सकता है, दूसरा कोई इवेंट नहीं करेगा सिर्फ Realme 5i के लिए, क्योंकि Realme X2 Pro के साथ लॉन्च हुआ था Realme 5s, तो इस इवेंट में शायद लॉन्च होने वाला है Realme 5i। Xiaomi की ब्लैक फ्राइडे सेल अभी तो खत्म भी नहीं हुई कि Xiaomi नई सेल ला चुका है, जिसका नाम है मी सुपर सेल, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर उन्होंने बहुत सारे डिस्काउंट्स रखे हैं। अगर आप कोई Xiaomi का प्रोडक्ट्स लेने की सोच रहे थे तो आप यहां से खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा डिस्काउंट है इस सेल में। तो 2020 iPhones में एप्पल यूज करने वाला है कोलकम का अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अपने हाई एंड iPhones में। बहुत जल्दी नहीं लाया एप्पल ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, अभी तो 2-3 साल और रुक जाते हैं, फिर लाते हैं, बहुत जल्दी लाया। एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन यूजर्स के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब हमें अनलिमिटेड कॉलिंग्स मिलने वाले हैं। अब हमें 6 पैसा पर मिनट नहीं देना होगा अगर हम अदर टेलीकॉम नेटवर्क पर फोन करते हैं तो। पहले एयरटेल ने ये ट्वीट किया कि हम अनलिमिटेड कॉलिंग अब देने वाले हैं, ये देखकर आइडिया और वोडाफोन ने भी ट्वीट कर दिया, हमको भी देना पड़ेगा, इसने दिया तो, वरना सब वहां चले जाएंगे। तो अब से हमें एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाला है। जियो भी 1-2 दिन में शायद कर ही देगा अनलिमिटेड कॉलिंग। आज सैटरडे था इसीलिए टेक न्यूज बहुत ही कम थी, फिर भी मैं आपके लिए लाया हूँ टेक न्यूज का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।